इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। समीरुद्दीन चिश्ती हैं, इन्होंने कहा है कि दुआ के वक्त हाथ कैसे रखने चाहिए, इसका क्या तरीका होना चाहिए दुआ करते वक्त, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं हाथों को खोल के रखो और बाज़ लोग कहते हैं हाथों को मिला के रखो, तो इनमें कौन सा तरीका सही है। असल में हुजूर अलैहिस्सलाम का दुआ करने के जो आदाब और तरीके हैं उनके अंदर दोनों बातें साबित हैं, यानी हदीस पाक के हुजूर पाक का ये दुआ करने का अंदाज़ साबित है कि आप जो है यानी दोनों हाथों को बुलंद रखते और हवा में उठा के रखते, यहाँ तक कि आपके बगलों की सफ़ी ज़ाहिर होती, यानी इस तरीके से इनको ऊपर उठा के हाथों को के जो ये हिस्सा है कपड़े का ये सफ़ेद ये तक नज़र आता, तो हुजूर पाक का इस तरीके से बुलंद हाथों को उठा के दुआ करना ये साबित है। इसी तरीके से एक हदीस पाक के अंदर हुजूर पाक का जो है वो दुआ में हाथों को मिलाकर भी दुआ करना साबित है, यानी कि आप दुआओं की हथेलियों को इस तरह से मिलाते और जो ये हथेलियों का रुख है यानी ये पेट जिसको बोलते हैं, इस पेट को अपने चेहरे अनवर की तरफ रखते यानी चेहरे की तरफ और उसके बाद दुआ करते, तो हदीस पाक के अंदर ये तरीका भी साबित है, यानी ये जो तरीका है इस तरीके से ये जो मुसलमानों में राइज है दुआ का तरीका, तो ये तरीका भी हदीस पाक से साबित है, इस पर भी अमल किया जा सकता है। अब ऐसे लोग के जो दावत इस्लामी का असर ज़्यादा कबूल लेते हैं उस मामले में कि जहाँ शरीयत रियायत देती है और वो दूसरों को फिर एक तरीका को इतना लाजिम करार देते हैं या बताते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगरचे मारूफ तरीका दावत इस्लामी का वही है कि हाथों को खोल के बुलंद करके, लेकिन ये तरीका भी नाजायज़ और मना नहीं है, तो इस पर अगर मुसलमान अमल करें तो उनको करने देना चाहिए, ताकि दुआ के अंदर इस तरीके से हाथ रखें मिला के रखें। ख़वातीन के लिए बहुत सारे मसाइल पूछती हैं कि पर्दे से बाद हाथ निकालने, हाथ को खोलना नहीं खोलना, ये तो ये दुआ के सुन्नत आदाब के अंदर से है कि दुआ इस तरीके से भी मांगी जा सकती है और हाथों को खोल के भी मांगी जा सकती है। एक और सुन्नत है दुआ के अंदर के दुआ मुकम्मल होने के बाद चेहरा के ऊपर हाथों को फेरना, ये भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, साबित है, सहाबा का बयान है कि हुजूर पाक जब दुआ करते तो हाथों को नीचे ना लाते जब तक अपने चेहरे अनवर पर ना फेरते। जब बंदा दुआ करता है अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में, तो अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला की रहमतों को अपने जिस्म के सबसे ख़ास हिस्से पर ले लेना चाहिए और वो ख़ास हिस्सा चेहरा अनवर है, तो इसीलिए हुजूर पाक जो है वो अब इस तरीके से चेहरे पे हाथ फेरते। तो मुसलमानों को इस तरीके से दुआ करना उसके बाद चेहरे पे हाथ फेरना ये हदीसों की रोशनी में सुन्नत से साबित है। इसी तरीके से हुजूर पाक का बुलंद हाथ करके भी दुआ मांगना ये भी साबित है, दोनों तरीके किए जा सकते हैं। दुआ के क्या आदाब होने चाहिए, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहले वक्त का कि दुआ किस वक्त में मांगने की ताकीद है, तो इसमें सबसे अहम वक्त होता है हर दिन में पांचों नमाजों के फ़र्ज़ के बाद, ठीक है। तो जैसे ही आप फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरे, बाज़ लोग फटाफट सुन्नत पढ़ने खड़े हो जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगने का हुक्म है कि ये कबूलियत के ज़्यादा करीब होता है, तो जब आप फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल करें उसके बाद ज़रूर दुआ मांगे, चाहे थोड़ी मांगे, पहली चीज़। दूसरी इस बात का ख्याल रखना चाहिए दुआ के अंदर के आँखें आसमान की तरफ चेहरा उठा के दुआ नहीं करनी चाहिए, हुजूर पाक ने इस बात से मना फरमाया कि जो आसमान की तरफ देख के दुआ करे उसको खौफ है कि रोशनी जाने का उसका अंदेशा है, ये चीज़ों का दूसरा ख्याल रखें। तीसरा होता है दुआ जब आप करें, वक्त मैंने बता दिया फजर के बाद करें, सॉरी तमाम फ़र्ज़ के बाद करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे अच्छा वक्त हर दिन में देखा जाए तो सुबह का वक्त होता है यानी फजर के करीब का, उस वक्त आप दुआ करें, वो जो है ना अल्लाह तबारक व ताला की कबूलियत का ज़्यादा करीब है दुआ करना। इसी तरह जुम्मे का जो दिन होता है उसमें दो खुतबों के दरमियान दुआ करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि उसमें हाथ ना उठाएं। इमाम साहब जब पहला खुतबा देते हैं फिर वो मिंबर पर बैठते हैं फिर दोबारा खड़े होते हैं, तो ये बैठना और खड़े होने के दरमियान जो थोड़ा सा वक्फ़ा है उसमें जो है वो मस्जिद में दुआ मांगनी चाहिए, दिली दिल के अंदर दुआ करनी चाहिए, वो कबूलियत का वक्त होता है। ख़वातीन ऐसे मौके पर जो है वो जुम्मे के अजान से और अजान के फ़ौरन बाद दुआ मांगे वो ये कर सकती हैं, क्योंकि खुतबे का उन्हें अंदेशा नहीं होगा। इसके अलावा जो है जुम्मे के दिन असर और मगरिब के दरमियान का बुज़ुर्गों का कौल है कि दुआ की कबूलियत
ज़्यादा करीब होती है कि दुआ कबूल हो। असर और मगरिब के वक्त का मतलब ये होता है कि मगरिब की अजान से 15-20 मिनट पहले मसल्ले पे बैठ कर दुआ की जाए, ख़ास जुमे वाले दिन, तो ये कबूलियत की जो है एक ज़्यादा करीब वक्त है कबूल होने के, तो इस बात का ख्याल रखा जा सकता है। इसके सिवा दुआ कबूल होती है सफ़र के दौरान, कि अगर आप किसी दीनी सफ़र पर हों या चलें शरई सफ़र पर हों तो वहाँ पर दुआ करें, दीनी पे हों तो और अच्छा है, जो अल्लाह ताला की राह में सफ़र होता है तो मुसाफिर की दुआ ये रद्द नहीं होती सफ़र पे जाएं, तो सबके लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के तमाम सुन्नी मुसलमानों की मग़फ़रत के लिए दुआ करें, और जो शख्स तमाम सुन्नी मुसलमानों की मग़फ़रत की दुआ करता रहता है अल्लाह ताला उसको बेहिसाब रोज़ी भी अता करेगा, तो ये रिस्क में बरकत का एक ज़रिया भी है कि सबके लिए मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना अपनी ईमान पे ख़ात्मे की दुआ सफ़र में चाहे करते रहें, ना कि ये कि सफ़र में गाने वगैरह सुने, तो आदाब दुआ में से इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एक होती है मरीज़ की दुआ, कि जब आप किसी मरीज़ को देखने जाएं तो उससे भी आप अपने लिए दुआ को कह सकते हैं कि मरीज़ की दुआ भी वो रद्द नहीं होती, तो मरीज़ के लिए भी दुआ करें और उससे भी गुजारिश करें, जब कोई बीमार हो, बुखार में हो, तबीयत ख़राब में हो, तो उससे भी कहें कि आप हमारे लिए भी दुआ करें, तो मरीज़ की दुआ कबूल होती है, तो मरीज़ की दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी, आपके हक़ में कबूल हुई तो फ़ायदा होगा, ये भी एक दुआ की कबूलियत वाला मामला है। दूसरी चीज़, हर अजान के फौरन बाद जो है वो दुआ कबूल होती है, ऐसा भी कुरान हदीस में इशारे मिलते हैं कि जब अजान होती है अजान और खुतबे यानी अजान और तकबीर के दरमियान में जो है अजान के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाज़े खुलते हैं, तो ऐसे वक्त में दुआ मांगनी चाहिए। तो इसी तरह जब अजान हो बहुत तवज्जो रखनी चाहिए अजान के वक्त में, अजान का जवाब दें, जो कलीमे मौज़िन कहें उसी को दोहराएं, अजान को जो आपके कानों में आवाज़ है उसी को रिपीट करें, इसको अजान का जवाब देना कहते हैं, और इसके फौरन बाद हाथ उठा के दुआ करें, तो इंशाल्लाह ये भी एक दुआ वाला मामला है। अब रहा यह कि दुआ के अंदर वो क्या ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो वक्त मखसूस बताए गए हैं कि दुआ इन इन वक्तों में करनी चाहिए, इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन वक्तों के सिवा दुआ नहीं हो सकती। दुआ आप दिन के 24 घंटे भी मांग सकते हैं, दुआ के लिए तवज्जो का होना ज़रूरी है। मसलन घर में काम करने वाली खावतीन खाना बनाते, किचन में काम करते, झाड़ू पोछा सफाई करते वक्त भी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ लगातार कर सकती हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि दुआ के अंदर गाफिल नहीं होना चाहिए। दुआ आप नमाज के वक्त मांगे या आम हालात में मांगे, दुआ में तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला पर रखनी चाहिए। अब्बाज़ का जो है ना मामला ऐसा होता होगा कि हाथ दुआ के लिए उठे हैं लेकिन जहनों में सारे मामले चल रहे हैं, मतलब नमाज के बाद ऐसा होता है कि ख़वातीन मतलब नमाज के बाद दुआ मांगी और वो दुआ मांगते मांगते अपने जो है वो किचन का गैस बंद करने का ख्याल रहता है, बच्चों का आवाज़ लगा देते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं, ना इधर उधर गैस हल्का कर दे सालन जल जाएगा, और पानी की बाल्टी में उठा दे देख वो बकरी को खाना डाल दे वो चीख रहा है, और उसमें दुआ में तवज्जो भी होती है, देखो छोटा वाला रो रहा है उसको उठा ले उसके कपड़े सुखा दे, तुझे मना करा चिल्लाने के लिए चल घर से बाहर जा, और वो अपना दुआ के अंदर मशगूल भी रहती हैं और उनके सारे मामले, तो ये कोई तवज्जो नहीं हुई ना तुम्हारा सारा मामला, किचन में सालन जल रहा है या ख़राब हो रहा है या फिर गैस वगैरह तेज़ है या कौन बच्चा रो रहा है, पौधों में पानी डालना भी तुम्हें अभी याद आएगा, बच्चों को बाहर खिलाना भी याद आएगा, कपड़े नल पे फैलाए थे उसको निचोड़ के पानी लटका दे ऊपर वो अभी याद आएगा, और फलां को फ़ोन कर दो बाहर से आएगा तो सामान लेता हुआ है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रहेगा, तो दुआ के अंदर ये नहीं होना चाहिए। आप जिस ज़ात से दुआ करना है पूरी तवज्जो और फोकस रखना चाहिए कि आप उससे गुफ्तगू में जो है वो मशगूल हैं अल्लाह तबारक व तआला से, तो दुआ में ख़ास जो है आसपास की बातों पे ध्यान ना दें, बिल्कुल भी जहन से निकाल दें, और आप ऐसे तसव्वुर में खो के दुआ करें कि जैसे आप कहते हैं ना, जैसे दो आपस में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपस में जैसे दो यार होते हैं ना, एक यार दूसरे को मनाता है तो कैसे मनाता है जब उसका काम थोड़ा सा नहीं बन रहा होता, वो किस तरह से गले में हाथ डाल के उससे प्यार से मनाता है, भाई ये काम कर दे प्लीज़ यार, तेरे अलावा मेरा कौन है यार, देख तू बहुत अच्छा है मुझे पता तू कर देगा, तू कर दे यार प्लीज़, अब सामने वाला मना भी कर, नहीं यार मेरा दिल नहीं है, तूने एक बार ऐसा कर दिया था मैंने करा था तूने मेरी बात ख़राब कर दी, अरे नहीं यार प्लीज़ भाई बहुत रिक्वेस्ट यार कर दे, अब कैसा नहीं होगा पक्का वादा, पक्का वाला वादा, अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल कर दे, तो बंदा क्या होता करता है, तो जिस तरह ये अपना आप करते हो ना किसी अपने यार दोस्त में दुनियावी मामले में, तो वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करना, ये दुआ के सबसे अहम तरीन आदाब में से एक आदाब है, इसको पूरा किए बगैर सारे आदाब जो है वो समझ लो नाकिस हैं, बिल्कुल क्या है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवज्जो। तो जब आप बात करें बिल्कुल
दुनिया को भूल जाएं, दुआ करें ना आँख से आंसू हो, अच्छी बात है, आँख से आंसू हो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में अपने गुनाहों का इकरार करें कि अल्लाह ताला जो मैंने क्या गलत किया, बस ये काम हो जाए, मैं आज से ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, अच्छी नीयतें करें, दुआ करें, बिल्कुल ऐसे कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला की आपकी गुफ्तगू हो रही है, बस तीसरा कोई थर्ड पार्टी नहीं है बीच में, ऐसे ध्यान लगा के करनी चाहिए, ना कि ये कि किचन में सालन जल रहा है या फिर कपड़े सुखाने धोने फैलाने, उन पे से बिल्कुल तवज्जो हटा दे। तो इस तरीके से आंखों में आंसू हो, जैसे आप कहते हैं ना किसी बादशाह के सामने फरियाद कर रहे हैं, तो ऐसे अपनी गलतियों को माफ़ी मांग के उसके आगे फरियाद करें, जैसे वो आप पे मुतवज्जे है। इमेजिन करें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे है, तो आप वैसे ही दुआ कर रहे हैं बहुत दिल से, बहुत दिल से, कि जैसे समझ लो कि आपका अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है बिल्कुल, इतनी ध्यान से दुआ करनी चाहिए, ये सबसे अच्छी कबूलियत का। बुजुर्गों ने फरमाया कि दुआ के दौरान अगर रोंगटे खड़े होते हैं ना, जैसे आदमी को कभी कभी ऐसे कपकपी सी तारी होती है और थोड़े जिस्म के बाल रोंगटे जो खड़े होते हैं, तो ये भी कबूलियत की एक निशानी में से निशानी है कि जब बंदा कोई चीज़ जुमला बोले अल्लाह ताला से आज से मैंने इससे तौबा करी मैं नहीं करूँगा, तो पूरे जिस्म में कपकपाहट सी आती है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ये भी एक अलामत होती है दुआ के कबूल होने की, अगर आपके अंदर ऐसा महसूस होता है तो और तवज्जो करें दुआ के अंदर और अल्लाह ताला की बारगाह में जो है ना मुखातिब हों अल्लाह ताला से, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अब दुआ के अंदर और क्या हो सकता है तरीक़े के अंदर, वो ये हो सकता है कि शुरू करें दुरूद पाक की कसरत करें, पहले 3, 5, 7 या बिना गिनती के पढ़ते रहें जो दुरूद या वो जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह, 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, इस तरीके से आप दुआ दुरूद पढ़ें। दुआ के बाद अल्लाह तबारक व तआला के कुछ नाम लें, उसको उस नामों से पुकारें, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम, बिल्कुल मस्त हो जाएं, या करीम या करीम। चलें ये सब चीज़ें आप 5 नमाज में नहीं कर सकते, अपने दिन के एक वक्त तो ऐसा मुकर्रर कर सकते हैं सोते वक्त जागते वक्त, या एक नमाज के जब आपको फुर्सत हो ये सब मामले किए जा सकें, क्योंकि आप कहेंगे जी काम धंधे होते हैं, बाज़ लोग काम पे से नमाज़ पढ़ने आते हैं तो फटाफट दुआ करके वापस जाना होता है, ख़वातीन को घर के काम होते हैं, सो मसले होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा इंशाअल्लाह ताला आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकालेंगे तो ओढ़ें गफलत की चादर, सो जाएं आराम से, नमाज़ पढ़ ली है, शाम तो आपने कर ही दिया वैसे भी फ़र्ज़ अदा करके, दुआ का क्या करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नामों को पुकारें, इसी तरह या करीम जो भी अल्लाह का आपको नाम याद हो, या गफूर या गफूर या गफूर या गफूर, अल्लाह ताला के नामों से याद करें, दुरूद पाक मुतवज्जे करें अल्लाह ताला को अपनी तरफ, अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, कि आप अल्लाह की बारगाह में आए हो, उसकी हमद सना करें, या करीम, दुरूद पाक की कसरत हो गई, ये हो गई, उसके बाद आप दुआ करें सबके लिए, अल्लाह ताला मेरी मेरे वालिदैन की मग़फ़रत कर, वालिदैन को दुआ में मखसूस याद रखें, तो धीरे धीरे अपना दायरा वसी करें, बड़ा करें, उसको जो है ना कैपेसिटी उसकी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला पहले अपने लिए, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़रत कर दे बेहिसाब, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझसे गलती कोताही हुई है उससे मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, उस तौबा पर मुझे इस्तिकामत की भी तौफीक दे कि मैं उस पर कायम रह सकूं, जो भी मुझसे पिछले गुनाह हुए हैं तो अपने, वैसे मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि जो गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उन सबको माफ़ कर दे, के बजाय ऐसा कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला जो गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला तू चाहे तो उन सबको नेकियों में तब्दील कर दे, मतलब अगर मुझसे 1000 गुनाह हैं तो 1000 गुनाह मिटा के उसके बदले 1000 नेकी मेरा माल में आ जाए, ऐसा मुमकिन है अल्लाह की ज़ात से, तो इसमें मेरे ख्याल से डबल फ़ायदा है कि गुनाहों का मामला जो है वो नेकियों में बदल जाएगा, तो अल्लाह ताला तमाम मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, तो इस बात पर कादिर है। अपने लिए ख़ास पहले करें, पहले कि मुझसे गलती हुई गलती याद दिलाएं, अल्लाह ताला से वादे याद दिलाएं, अल्लाह ताला नेमत जो आपने दी है, जो आपको दी है अल्लाह ताला ने, उन नेमतों को याद कर करके उसका शुक्र अदा करें। दुरूद हो गया, अल्लाह का नामों का जिक्र हो गया, अपने लिए दुआ हुई, अब अपने लिए दुआ जो चल रही है उसमें क्या चल रहा है, अपनी नेमतें जो नाजिल हुई उसकी अपना आप शुक्र अदा नहीं कर पाए, इसका इकरार करें उससे कि जो नेमत है जो तूने दी है मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर पाया, मुकम्मल तौर से जो उसका हक था नहीं निभा पाया। नेमतों में क्या है, अगर आप फ़कीर भी हैं ना तो नेमतों में बोलने वाली ज़बान है, नेमतों के अंदर आँख है, नेमतों के अंदर कान है, नेमतों के अंदर हाथ पैर सही सलामत है, अगर ये भी नहीं है तो नेमतों के अंदर सांसें हैं चलना, अगर ये भी, ये तो होगा जाहिर सी बात है तभी तो दुआ कर रहे हो, ये भी नहीं होगा तो ऐसे कैसे होगा। इसके अलावा ईमान है, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत, जिसका शुक्र हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि रिवायतों में है कि जो बंदा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता उस पे से नेमत का चले जाने का खौफ है, तो बहुत कसरत से इसका शुक्र अदा करें। कुछ भी नहीं है
तो नहीं है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ा एहसान और करम है कि ईमान है। उस ईमान की नेमत के बाद दूसरी नेमत अल्लाह तबारक व ताला की है, वो है आपको सही मसलक पे होना। क्योंकि बज़ाहिर कलमा ईमान, अभी मैं आज के बयान में रिकॉर्ड करा चुका हूँ कि बज़ाहिर कलमा ईमान सबके पास है, लेकिन हक मसलक, हक रास्ते ये होना भी बहुत शुक्र है। मैं भी ख़ास दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझे मुसलमान बनाया, उसमें तेरा करोड़ों करोड़ों एहसान है कि तूने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में पैदा फरमाया, और उससे बढ़कर फिर और तेरा एहसान है, अज़ीम है मुझ पर कि तूने मसलक आला हज़रत दिया, बुज़ुर्गों का दामन दिया, बुज़ुर्गों का रास्ता दिया। ये सब मेजोरिटी है, इसके बग़ैर सारे अमल बर्बाद थे, अगर कामिल मुसलमान नहीं हो पाता मैं तो। इसीलिए दुआ के अंदर इस चीज़ का इजहार करें, इस चीज़ के लिए शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला मसलक आला हज़रत पर रखना भी मुझे, मेरे दिल में सही और ग़लत का फ़ैसला, रसूल की मोहब्बत में मोहब्बत और रसूल के गुस्ताखों से बुग्ज़ रखने वाली बात भी इतनी नेमत है। वरना आदमी होता है कि इधर भी उधर भी गुड़ और गोबर सब है, तो ये भी एक नेमत है, इसका शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला तूने सुन्नी रास्ते पे मुझे दिया मसले के आला हज़रत पे, देश पे तेरा करोड़ों एहसान। अल्लाह ताला तूने मुझे अच्छा खाने पीने को दिया, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, तंग दस्त नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद भी करता हूँ। दिया तूने मेरे को घर बार दिया, वालिदैन दिए, उनका साय रखा, बहन भाई दिए, ये सब नेमतें हैं, तो आप इनका शुक्र अदा करें। जो जो आपके पास हो, जैसी जैसी हो, मैं जनरल बात बयान कर रहा हूँ, ये आप बेहतर जानते हैं कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, तो इसका शुक्र अदा हो गया। उसके बाद अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से कोई आपकी आरजू हो, हसरत हो, उसको तलब करें, और ये सब काम बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ होने चाहिए, गफलत के साथ नहीं होने चाहिए। तो तवज्जो रख के फिर आप अल्लाह ताला के बारगाह में अपनी माफ़ी मांगे, फिर अपने लिए मगफरत, दायरा वसी करने की बात आ रही थी कि अपने लिए जब आप मुकम्मल कर लें वसी मगफरत की, उसके बाद अल्लाह ताला मेरी, मेरे वालिदैन की, मेरे रिश्तेदारों की मगफरत कर, ठीक है, रिश्तेदारों से थोड़ा दायरा बड़ा करें, अल्लाह ताला मेरे आसपास रहने वाले मेरे इलाके के सुन्नी मुसलमानों की मगफरत कर, अल्लाह ताला जो मेरे घर के मरहूम चले गए उनको तो बेहिसाब बख्श दे, उनकी मगफरत कर। दायरा वसी हो रहा है, फिर धीरे धीरे अल्लाह तबारक व ताला तू मेरे इलाके के, जब इलाके वाले हो जाएं, अल्लाह ताला मेरे मुल्क के मुसलमानों के लिए तू रहमत नाजिल कर, रहमत की नज़र कर, उनकी जान माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला तमाम आलम में जहाँ मुसलमान हैं और जो पर्दा कर गए, सबकी बेहिसाब मगफरत कर। अपने से शुरू करें, दायरे को खोलें, खोलते चले जाएँ, अपने रिश्तेदार, ख़ानदान, घर बार, दोस्त यार, मोहब्बत करने वाले सबके लिए, उसके बाद तमाम दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला मगफरत कर, इस तरह सबके लिए मगफरत करें। अल्लाह फिर सबकी परेशानी को शामिल कर लें, अल्लाह ताला जो कर्ज़दार है उन सबको कर्ज़े से निजात दिला, जिनके घर में रिश्तों के मसले हैं, गुरबत की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनके लिए तो आसानी फरमा। और ये सब जुमला नहीं होना चाहिए, मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि तवज्जो की चीज़ का नाम है, उसको दिल से महसूस करना है, दिल से, दिल से, जैसे आप किसी दोस्त को मनाने के लिए जाते हैं ना, जब ऐसे इस तरीके से सच्चे दिल से कि अल्लाह ताला मुसलमान बहुत परेशान है, मतलब किसी को आपने देखा हो ना, उसको इमेजिन भी करें कि वो बंदा कर्ज़े में जो है ना मुब्तला बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला ऐसे पता कितने बंदे होंगे, मुझे वाकई दुख होता है उन सबके लिए आसानी का, तो उनका दुख, उनका दर्द अपने दिल में महसूस करो कि किसी के वहाँ कोई लड़की बैठी है गुरबत की वजह से वो नहीं कर पा रहा। फिर इसी तरह अस्पताल वालों को याद करो तो कि अल्लाह ताला कितने लोग अभी हैं कि आज हम इस नेमत में, खुशी का मामला है, कोई खुशी का मतलब नॉर्मल डे खुशी का ही मामला हुआ ना, अच्छी ज़िंदगी मिली, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज कितने लोग जो है ना अस्पताल में अपने मरीज़ों के पास होंगे, और कितनी कितनी दूर से वो लोग आए हुए होते हैं, अपने मरीज़ों के पास ठहरे होते हैं, तो वो अपने मरीज़ों को लेके कितने फ़िक्रमंद होते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हुए उनकी दुआ करो, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी कर दे, सब खैर के साथ अपने घर चले जाएँ, मरीज़ों को शिफा दे दें, बहुत दूर से परेशान हैं बेचारे, अस्पतालों में रुके हुए होते हैं 10-10 दिन, 20-20 दिन, ऑपरेशन होता है, नाजुक हालत होती है, उन पर दिल पे क्या बीत रही है, हो सकता है आज कोई खुशी का दिन हो, ईद हो, लेकिन वो हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उन पर रहमत की नज़र कर, उनके लिए आसानी फरमा। जो कर्ज़दार आप जानते हो आस पड़ोस में, कोई गुरबत में हो जानते हो, उसके लिए ख़ास नाम लेकर करो, अल्लाह ताला फलाह के लिए आसानी कर दे, बहुत परेशान है अल्लाह ताला, बहुत परेशान है, उसके लिए आसानी कर, बहुत बीमार रहता है, बीमार रहती है, बच्चे तंग दस्त हैं, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, या घर के अंदर ऐसा मामला हो गया, या कुछ अनहोनी हो गई है, या किसी की वफात हो गई, या के पीछे करने वाला कुछ नहीं, उस दर्द को महसूस करके आंखों से, ना कि सिर्फ जुमले वाली बातें हो, तो इसे कहते हैं दुआ के अंदर तवज्जो का होना। अगर दुआ के अंदर तवज्जो नहीं होगी तो सारे आदाब जो हैं वो बेकार हैं। आप हाथ उठा लें या हाथ बंद कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप हाथ बांध के भी दिल से दुआ कर रहे हैं ना,
अगर वो तवज्जो है तो इंशाल्लाह ताला वो दुआ कबूल होगी। ये हाथों को उठाने नमाज दुआ में कोई शर्त नहीं है। असल अव्वल जो अहम तरीन शर्त है वो है अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पे तवज्जो कर रखना। इसी तरह आप जाते हैं, ड्राइव करते हैं लंबे सफ़र पे, छोटे सफ़र पे, वहाँ भी ये सब चीज़ें दुरूद कलमा जिक्र सबके लिए आसानी, सबके लिए मगफरत, इंशाल्लाह सबके भले में अपना भला। जब आप तमाम मुसलमानों के लिए जो है ना मगफरत चाहोगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके माल और दौलत के अंदर खैर और बरकत करेगा, आपके चार काम आसान होंगे, आप दूसरों की मदद भी कर सकोगे, मगफरत भी इंशाल्लाह ताला होगी। उसके बाद कुछ अपनी आरजू हो वो बयान करें, मदीना देखने की आरज़ू हो, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम भी देखने की आरज़ू, उसको बयान करें आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। और जो भी मांगे अल्लाह ताला से वो आला दर्जे की चीज़ मांगे। अल्लाह ताला हर मुमकिन पे कादिर है, अदना नहीं कि अल्लाह ताला बस इतना हो जाए तो बहुत है, नहीं, अल्लाह की बारगाह में क्या कमी है, अल्लाह ताला इतना नवाजे कि आप सबको दो, क्या ज़रूरत है उसके अंदर। तो ये भी मतलब कहते हैं लालचपन छोटा सा कि नहीं बस इतना हो जाए, नहीं, वो तो करीम है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो अपने रब से मांग रहे हो, किसी गैर से थोड़ी ना मांग रहे हो, तो अपने रब से मांगते हो उसमें क्या, अल्लाह ताला इतना दे मैं सबका भला करूँ, अल्लाह ताला ऐसा हो जाए ऐसा करूँ, वैसा हो जाए तो मैं ऐसा करूँ, मुझे इस काबिल बना, मुझे ऐसा दिल भी दे, खैरात करने वाला दिल भी दे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में आला से आला चीज़ें मांगो, जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में मांगते हुए इस बात का भी ख्याल रखें कि कोई छोटी चीज़ बड़ी नदामत के साथ तलब करना कि जैसे बस यही मिल जाए तो बहुत है, तो ऐसा नहीं है वो दरबार कि बस वहाँ इतना सा मिल जाए या इतना भी मिल जाए बहुत है, वो दरबार में कोई कमी नहीं है, ठीक है। जितना भी मांगो जैसा भी मांगो इंशाल्लाह मिलेगा। नीयत साफ़ होनी चाहिए कि क्यों मांगते हो, और नीयत पर जो है वो दारो मदार है, बंदे की नीयत पर दारो मदार है उसकी दुआ का कबूल होना। नियत सच्ची है झूठी है डिपेंड करता है आपके दिल पे कि जब आप दुआ मांगते हो तो क्या नियत होती है, बस वही जुमलाबाजी जल्दी जल्दी सेंटेंस पूरे करे काम ख़त्म, तवज्जो नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ना, मुसलमान का जो दर्द दुख आपने देखा हो किसी का, उसका जब तुम नाम के साथ उसके लिए दुआ करो, उसके दर्द को महसूस करके, खुद आँखों के अंदर आपके इमोशंस, चेहरे के अंदर इमोशनल हो कि हाँ वाकई में वो बंदा परेशान है, किसी के लिए दुआ करो। जब ये सब बातें कंप्लीट हो जाएं, अपने लिए दुआ करें, फिर दुरूद पाक का थोड़ा सा जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे, इस तरह आप दुआ को पूरा कर सकते हैं। तो दुरूद शुरू में और आखिर में पढ़ना, ये भी दुआ की कबूलियत के लिए बहुत यानी ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत में वो दुआ टलती नहीं है कि जो दुरूद के दरमियान में जाती है, क्योंकि दुरूद हमेशा मकबूल होता है अल्लाह ताला की बारगाह में, क्योंकि उसके हबीब पर पढ़ा गया होता है। तो इन बातों का जो मैंने बताई हैं, पहली दफ़ा मैंने उनको दुआओं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया, आदाबों का तरीके कार जो भी आपका जैसा दिलो वो करें, और मुतवज्जे अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पे रहें तो ये दुआ में करना चाहिए, हाथ खोले बंद रखे कोई उससे फ़र्क वाली बात नहीं है। पत्थर में असल लाले,